फ्रेंड्स, आज मैं आपके संग एक ऐसे पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आप खाते ही बस इसके दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी पकोड़े हम बनाएंगे पनीर के बिना। पनीर के स्वाद वाले पकोड़े झटपट कैसे बनाएं, इतने टेस्टी कि आप इसका स्वाद भूले से भुला नहीं पाएंगे। सच में फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, ऊपर से एकदम कुरकुरे होते हैं, बहुत ही डिलीशियस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, मीनूज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम पनीर जैसे सॉफ्ट पकोड़े कैसे बनाएं, पनीर के टेस्ट वाले और ऊपर से एकदम कुरकुरे। तो उसके लिए हम पहले बैटर बना के तैयार करते हैं। एक कप हमने बेसन लिया है, इसमें हमने छोटी आधी चम्मच नमक डाला है और बिल्कुल चौथाई चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है जो कि बहुत बढ़िया टेस्ट देगी। थोड़ा एडजस्टमेंट नमक मिर्च का अपने हिसाब से कर सकते हैं, नमक पनीर के पकौड़े में ऊपर थोड़ा कम ही डाला जाता है। और चौथाई चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया रंग उभारने के लिए, और चुटकी भर हींग डाली है, और चौथाई चम्मच ही अजवाइन डाली है। बहुत बढ़िया फ्लेवर देती है पनीर के पकौड़ों में। और इसको एकदम से कुरकुरा सॉफ्ट बनाने के लिए हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमने चौथाई चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है, और बेकिंग सोडा डाल रहे थे 2 पिंच डालिए। बेकिंग पाउडर से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हमने छोटी आधी चम्मच डाल लिया है, बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है। आप फ्रेश लहसुन भी कूट के डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एकदम से स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करना है जो कि हमारे पकौड़ों की कोटिंग हो सके इस पर अच्छे से। तो इसमें एक भी लम्ब नहीं रहना चाहिए, और बेसन को इतना घुमाएंगे कि बेसन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा बेसन हार्ड होता है ना, इसका रंग पलट जाए। तो इसको एक डायरेक्शन में घुमाते जाएंगे, कम से कम 2-3 मिनट घुमाएंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका स्मूथ बैटर हम बनाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया पकौड़े का बैटर जो है तैयार होगा, जिससे कि हमारे एकदम कुरकुरे पकौड़े बनके तैयार होंगे। बैटर बहुत बढ़िया हो चुका है, थोड़ा सा पानी हमने इसको धो लिया, और अब हम चम्मच से इस बैटर को अच्छे से घुमाएंगे और करीबन 5-10 मिनट के लिए इसको रख देते हैं, जिसने कि हम और तैयारी करते हैं, बेसन हमारा फूल के तैयार हो जाएगा। एकदम से गाढ़ा घोल बना के हमने तैयार कर लिया है। अब हम ऑयल को गर्म होने रख देते हैं, क्योंकि हमें झटपट बनाने हैं, पकौड़े तैयार करने हैं। बैटर भी तैयार हो गया, ऑयल को गर्म होने रख दिया। अब हमें क्या चाहिए पनीर जैसे बनाने के लिए? वाइट ब्रेड। आप ब्रेड कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइट ब्रेड से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और दूध की मलाई जो सबके घर में होती है, मोस्टली गाढ़ी गाढ़ी दूध की मलाई लेंगे। और नहीं है तो आप क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं, बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रेड के हम किनारे कट कर देंगे। अब देखिए, सारे किनारे कट करने के बाद जो ब्रेड होती है इसको हमें थोड़ा सा पनीर की तरह सॉफ्ट कैसे बनाएंगे। चारों को हमने 4 ब्रेड से हम बना रहे हैं, 8 स्लाइसेस बनाएंगे इसकी। और इस ब्रेड क्रम में यूज़ कर सकते हैं साइड्स को। आप इसको रख के सुखा लीजिए और एक डब्बे में भर के फ्रिज में रख लीजिए पीस के। अब हम इसको मलाई लगाएंगे चारों तरफ, चारों स्लाइसों पे पूरे अच्छे से मलाई को हमें लगाना है, जिससे कि ब्रेड अंदर से सॉफ्ट हो जाएगी। सच में फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और कई बार होता है कि पनीर हम नहीं ला पाते, घर पे पनीर नहीं होता, मैं फटाफट से पनीर के पकोड़े खाने का मन कर रहा है, तो वही टेस्ट आपके बच्चे तो बता भी नहीं पाएंगे कि पनीर के पकोड़े हैं कि कैसे हैं। तो अब आपके पास अगर हरी चटनी रखी है तो एक साइड हरी चटनी लगा लीजिए, टमाटो केचप लगा लीजिए, शेजवान सॉस लगा लीजिए, वो आपकी मर्जी है। थोड़ा इसको चटपटा टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर्ड बनाने के लिए हमने इसमें हरी चटनी यूज़ किया है। मेरे पास शेजवान चटनी रखी है, वो लगा दी। आप इसमें मेयोनीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड के ऊपर मलाई की जगह मेयोनीज़ लगा के भी आप बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। बनाइएगा ज़रूर, एक बार बारिश का मौसम है, ये पकौड़े बनाना तो बनता ही है। अब दोनों स्लाइसों को आपस में हमने ढक दिया। अब ऊपर से एक साइड, नीचे की साइड नहीं लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा पनीर फिर सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको हमें बना के नहीं रखना है, जैसे ही हमें पकौड़े बनाने तुरंत, क्योंकि फिर ये सॉफ्ट होकर एकदम से टूटने लगेगी ब्रेड। तो हमने एकदम से ऊपर से थोड़ी सी मलाई लगा दी, गाढ़ी गाढ़ी फ्रिज की ठंडी मलाई थी। और या तो आप इसको लंबे पीस कर लीजिए, या फिर मैं इसको चौकोर पीसों में 4 पीस कट कर लूँगी। अब देखो, पनीर के पीसेस हो गए ना तैयार, जैसे पनीर के जैसे, लेकिन हमें तो टेस्ट पनीर वाला ही आने वाला है इसमें। तो हमने सभी पीसेस को कट कर लिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम इसे को क्या बनाएंगे, बैटर देखते हैं। बैटर भी बहुत बढ़िया स्मूथ हो चुका है, एक बार इसको घुमाएंगे। देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी कि इस पर कोटिंग हो जाए, इस पर साइड से छूटे ना। अब इसमें डालते हुए, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसको अच्छे से लपेटते हुए, साइड से बेसन छुटाते हुए इसमें हम डाल देंगे, बहुत ध्यान से डालेंगे। अब गैस के फ्लेम को मीडियम कर लें, क्योंकि हॉट बहुत ज़्यादा हो चुका है हमारा तेल। अब सभी पकोड़ों को जितने आते हैं इसमें हम डाल लेंगे, और अभी हमें पकोड़ों को टच नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा हमें नीचे से इनको सिकने देना है।
सभी पे हम कोटिंग करते हुए इसको डालते जा रहे हैं। सभी पकौड़े हमने डाल लिए और कुछ सेकंड्स बाद इसको हम पलट देंगे। जब नीचे से इस पर सिक जाता है ना, तब हम इसको आराम से एक एक पकौड़े को पलटते जाएंगे। देखिए अब इन्हें आप चाहें तो इसको हाफ फ्राई करके निकाल लीजिए, जब आपको खाना हो गरम गरम तब बनाइए इसको, करारे कीजिए, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी गरम गरम जब खाने हो बना सकते हैं। आप इनको जैसे बाजार वाले करते हैं ना मार्केट में, कच्चे उतार के रख लेते हैं, जब किसी को चाहिए हो फटाफट से करारे करके दे देते हैं, वो डबल टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा कुरकुरे होते हैं। लेकिन मैंने इसको एक बार में एकदम से करारा करके निकाल लिया, साथ में हमने अदरक वाली चाय चढ़ा रखी है, क्योंकि चाय के बगैर तो पकौड़ों का मज़ा आता ही नहीं है। अब देखिए कितने सॉफ्ट पकौड़े बने हैं। एक बार इन पकौड़ों को आप ज़रूर बनाइएगा, और बनाएंगे तो हर बार बनाएंगे इसको, सच में बहुत अच्छे लगेंगे। और फ्रेंड्स, कैसे बने पकौड़े कमेंट लिख के ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आगे से आगे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।